जूनियर बेसिक टीचर भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई पर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी हो गई है। इस मामले में कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है, अब कभी भी फैसला आ सकता है। 2018 में केंद्र सरकार ने एक नया नियम बनाया था कि 60 साल या उससे अधिक के ऐसे पुरुष कैदियों जिन्होंने अपनी आधी सजा पूरी कर ली है उन्हें विशेष माफी योजना के तहत रिहा किया जाएगा। पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला ने दिल्ली हाई कोर्ट में इसी का आधार लेकर याचिका दायर की थी कि उनकी सजा 5 साल से ज्यादा पूरी होगी है और उनकी उम्र भी 87 साल है, ऐसे में उनकी सजा माफ की जाए। इस केस में सुनवाई पूरी होने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। जेबीटी प्रकरण नवंबर 1999 में 3206 शिक्षक पदों का विज्ञापन जारी हुआ था। अप्रैल 2000 में रजनी शेखर सिब्बल को प्राथमिक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। जुलाई 2000 में रजनी शेखर को पद से हटाकर संजीव कुमार को निदेशक बनाया गया। दिसंबर 2000 में भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई और 18 जिलों में जेबीटी शिक्षक नियुक्त किए। जून 2003 में संजीव कुमार इस मामले में धांधली होने का हवाला देकर मामले को सुप्रीम कोर्ट ले गए। नवंबर 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने के आदेश दिए। मई 2004 में सीबीआई ने जांच शुरू की। फरवरी 2005 में संजीव कुमार से पूछताछ हुई। जून 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने चार्जशीट दाखिल की। जुलाई 2011 में सभी आरोपियों के खिलाफ चार्ज फ्रेम कर दिए गए। दिसंबर 2012 में केस की सुनवाई पूरी हुई। 16 जनवरी 2013 को ओम प्रकाश चौटाला और उनके पुत्र अजय चौटाला समेत 55 दोषी करार कर दिए गए। 22 जनवरी को 10-10 साल की सजा सुनाई गई। जेबीडी बैंक्वेट्स लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट जेबीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।